आज हम बनाएंगे गाजर मिर्च और मूली का अचार। ये देखिए, ये 1 किलो गाजर, आधा किलो मूली और ये कुछ मिर्ची है। इनको मैंने दिन में ही लंबे पीसीस में काट कर धूप में 3 से 4 घंटे के लिए सुखा दिया था, जैसे इसका पानी ख़त्म हो जाए। पर गाजर में मूली में पानी रहेगा तो अचार ख़राब हो सकता है। 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंफ, 2 टेबलस्पून राई और ये 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। सौंफ, मेथी और साबुत धनिया को हम रोस्ट करेंगे। 2 मिनट रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, कि हमारा मसाला चटकने लगा है। ठंडा करके हम मिक्सर जार में थोड़ा दरदरा पीसना है। कप सरसों का ऑयल लिया है, ऑयल आपका साफ़ होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह का पीसना है दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं। तो हमें कटोरी में निकालेंगे, राई को भी पीसेंगे। राई से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा। हमने राई को भी इस तरीके से पीस लिया है। राई की जगह पीली सरसों या काली वाली सरसों भी यूज कर सकते हैं अचार में। देखिए, तेल से धुआं आने लगा, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। 1 पिंच हींग, ये मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च अचार का अच्छा कलर लाने के लिए, ये नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डालें आप। आप हल्दी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सौंफ, मेथी और साबुत धनिया पिसी हुई, राई, कलौंजी पीसने से अचार काला हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। इससे 2 पिंच गरम मसाला इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कटी हुई मिर्ची मैंने यहाँ पर मिर्च, लाल मिर्च पाउडर इसलिए कम डाला क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ऐसे खाने हमारे घर की 2 चम्मच डालना है, इससे हमारा अचार ख़राब भी नहीं होगा और अचार का टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें ऑयल गरम करके और भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए अचार रखना है तो। अब ये 1 हफ्ते में खाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको डब्बे में डाल लेंगे। हमारा अचार ठंडा हो चुका है, अब इसको हम जार में डालें। आप प्लास्टिक के जार में, कांच के जार में अचार को डालकर रख सकते हैं। और गाजर, मूली, मिर्ची का अचार आप पराठे के साथ, छोले भटूरे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हमारा अचार बनकर तैयार है, 1 सप्ताह में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।